गाइस कोडी रोड्स बनने वाले न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन गाइस रोमन रेंस का एरा खत्म होने वाला है गाइस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं गाइस पावर स्लैम टीवी। यार जो भी नया बंदा है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस अभी कुछ दिन पहले यार WWE की जो प्रेस इवेंट हुआ था जो की रेसलमेनिया 40 का किक ऑफ था गाइस, यहाँ पर कोडी रोड्स को भाई थप्पड़ लपेट दिया था हमारे द रॉक ने। और गाइस यहाँ पर फिर कोडी रोड्स ने भाई गुस्से में आके चैलेंज कर दिया था रोमन रेंस को फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए एट रेसलमेनिया 40। और गाइस अगले दिन स्मैकडाउन के एपिसोड पे आ गए गाइस, ट्रिपल एच ने इस मैच को खुद से ऑफिशियल कर दिया गाइस कि कोडी रोड्स रोमन रेंस को फेस करेंगे रेसलमेनिया 40 के अंदर और ये होगा चैंपियनशिप मैच, चाहे ऑडियंस कुछ भी कहे भाई ट्रिपल एच ने ये सब बोल दिया स्मैकडाउन के एपिसोड पे। और गाइस इस मैच के अगर विनर्स की बात करें भाई तो आपको पता है यार रोमन रेंस 4 साल से चैंपियन है भाई, रोमन रेंस तो हार के नहीं दे रहे। और गाइस पिछले साल भी मैच हुआ था कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 39 के अंदर, जहां पर सोलो सिकोवा की वजह से गाइस कोडी रोड्स हार गए थे। और यहां पर फिर हमारे माइकल कोल ने बोला था भाई स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई। और गाइस यहां से चलते चलते रेसलमेनिया 40 के अंदर भी यही मैच हमको देखने को मिलेगा रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का। और गाइस यहां पर शायद से भाई शायद से नहीं यार 99% कंफर्म है कि कोडी रोड्स बन जाएंगे न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि गाइस अगर रेसलमेनिया 40 में भी कोडी रोड्स हार जाते हैं तो भाई यार ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफी होगी भाई कोडी रोड्स के साथ। और ऊपर से यार रेसलमेनिया का टाइम है यार, रेसलमेनिया में दो बार हारेंगे कोडी रोड्स तो इसका तो यार कोई सेंस ही नहीं बनेगा। बाकी गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि कोडी रोड्स बिल्कुल ही क्लीन तरीके से हरा के चैंपियन बन जाएंगे रोमन रेंस से तो यार आप यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होने वाले, क्योंकि WWE रोमन रेंस को यार प्रोटेक्ट करके रखने वाली है क्योंकि टाइटल तो उनके हाथ से जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद अगर वो रिटर्न करेंगे यार क्लीन हार के कोडी रोड्स से तो यार क्या मुंह दिखाएंगे रोमन रेंस। तो यहाँ पर गाइज रॉक के इंटरफेरेंस हमको देखने को मिल सकती है मैच के अंदर, कि रॉक मैच के अंदर इंटरफेरेंस करे, सोलो सिकोवा को भी मारे, वो जेउसो जिमेसो दोनों को मारे। और गाइज यहाँ पर फिर कोडी रोड्स इस चीज़ का फायदा उठा ले रोमन रेंस को, मतलब हरा दे इस मैच के अंदर और वो बन जाए न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और इसके बाद गाइज रोमन रेंस अपना रिटर्न करे और फिर यहाँ पर भाई रॉक के साथ उनकी राइवलरी स्टार्ट होगी और फिर रॉक जाने भाई और रोमन रेंस का काम जाने भाई, रॉक का क्या हाल करेंगे रोमन रेंस। और फिर शायद से यार दोबारा से मैच हो सकता है रीमैच रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल एट समर स्लैम। और गाइज यहाँ पर रोमन रेंस रीगेन कर सकते हैं भाई टाइटल को और फिर तो भाई भूल जो भाई रोमन रेंस, मतलब पता नहीं भाई कब हारेंगे रोमन रेंस इस टाइटल को फिर अगर दोबारा से रोमन रेंस जीतते हैं। तो यार वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो यार लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना गाइज। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।